आपकी होस्ट सैयद सलीम एंड वेलकम यू ऑल टू बेक पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे बाकी के भी ब्रांड्स का जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पेंट्री पार्टनर है। साथ में शुक्रिया अदा करूंगी वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रेवल्स का जो कि हमारे ट्रेवल पार्टनर है। साथ शुक्रिया अदा करूंगी फर्टाइल किचन फिक्सचर्स एनएक्स शेफ कुकवेयर और केसरिया का। शेफ वन सीजन 3 की एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कुक ऑफ राउंड का आगाज हो चुका है और पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा जो कि पहली एपिसोड थी फॉर कुक ऑफ, तो आपने देखा कि दो पार्टिसिपेंट्स नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके और दो को जाना पड़ा अपने घर। आज के इस एपिसोड का भी कुछ फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, चार पार्टिसिपेंट्स होंगे हमारे साथ जिसमें से दो जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए और दो को आज भी अपने घर जाना पड़ेगा। लेकिन ये सब डिसाइड होगा आज की परफॉर्मेंस के लिहाज से और आज के टास्क पे भी बेस करेगा। तो देखना ये है कि क्या टास्क मिलेगा हमारे पार्टिसिपेंट्स को। उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी रिमशादी को। क्या हाल है, कैसी हैं आप? I'm good, how are you? I'm good. आज आप ज़्यादा fresh और ज़्यादा confident लग रही हैं, is it so? नहीं, वो सब बाहर से है, मैं अंदर से बहुत nervous हूँ sir. अभी लेकिन आप एक ऐसे point पे हैं, एक ऐसे step पे आप पहुँच गई हैं कि you are just two steps away from your like you can say victory. तो कैसा लग रहा है? Are you nervous? Are you confident? क्या अपने competitors को देख के क्या feel कर रही हैं? मैं बहुत nervous हूँ क्योंकि like सारे strong competitors हैं मेरे, तो वो इस वजह से मुझे हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा like अपनी game जो है वो up करनी पड़ेगी। We are also looking forward to that. Let's see कि आज का क्या task होगा। लेकिन अभी के लिए आपने अपना counter संभालना है और आपका है counter 8। Preparation तो पूरी हो रही है लेकिन obviously उसके साथ मैंने अपनी जो गुड बाय स्पीच है वो भी मैंने प्रिपेयर कर लिया क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ कि मुझे नहीं पता कि आज के टास्क में क्या होगा, कौन सा टास्क मिलेगा और किस तरह मैं लाइक परफॉर्म कर पाऊँ। रिमशो ने अपने काउंटर संभाल लिया है। अब मैं बुलाऊंगी हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट हमाद अशरफ को। हमाद क्या हाल है, कैसे हैं? शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस पॉइंट पे मुझे पता नहीं क्यों पार्टिसिपेंट्स के चेहरों को देख के लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत ज्यादा जो है उनकी वो जो नर्वसनेस है वो काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी हुई है। काफी हद तक कंट्रोल हो भी गई है लेकिन नर्वसनेस अभी भी है, मतलब इनसाइड जो है वो नर्वस ही है। आज भी कोई देसी क्यूजीन होगी या देयर वुड बी सम ट्विस्ट और क्या लग रहा है? आई थिंक ट्विस्ट ही होगा। कोई ट्विस्ट ही होगा, ऑब्वियसली दिस इज कुक ऑफ राउंड, ट्विस्ट होना तो बनता है। लेकिन अभी आपने संभालना है अपना काउंटर एंड योर काउंटर इज काउंटर बी। आज जो है वो कुक ऑफ राउंड है, देखते हैं कि ये कितना टफ होता है सबके लिए क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा टफ है। हमाद ने भी अपना काउंटर संभाल लिया है और आई एम डेस्परेटली वेटिंग कि आज का क्या टास्क होगा और आज कैसा परफॉर्म करेंगे हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे बाकी के भी पार्टिसिपेंट्स को हम बुला लें। तो अब मैं थर्ड पार्टिसिपेंट को बुलाऊंगी यानी कि कुरुतलैन को। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुरुतलैन, आप बड़ी दूर से भी आई हैं द पार्टिसिपेट करने के लिए एंड यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल टिल नाउ, तो अभी क्या होप्स हैं, क्या लग रहा है कि आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगी? जी उम्मीद तो अल्लाह से बहुत है और प्रिपरेशन भी अच्छी है लेकिन अंदर से नर्वस बहुत हुई हूँ क्योंकि मेरे पार्टिसिपेंट काफी टफ टाइम देने वाले हैं मुझे, लेकिन इंशाल्लाह अपना बेस्ट दूंगी। चलिए, वी रियली होप दैट टू, लेकिन आई होप दैट फॉर एवरी पार्टिसिपेंट बिकॉज मैं बायस नहीं हो सकती बिल्कुल भी। लेकिन अभी कुरुतलैन आपने संभालना है अपना काउंटर, आपका है काउंटर सी। मुझे घर वालों की काफी सपोर्ट मिली और उनकी सपोर्ट से मैं कराची से लाहौर ट्रेवल करके आई और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं ऑडिशन में भी क्वालिफाई कर गई, फिर प्रेशर राउंड में भी क्वालिफाई कर गई, फिर नॉकआउट राउंड में भी और अब कुक ऑफ राउंड में भी क्वालिफाई कर जाऊंगी इंशाल्लाह। तीन पार्टिसिपेंट्स अपना अपना काउंटर संभाल ही चुके हैं, क्यों ना चौथे पार्टिसिपेंट को भी हम बुला लें जल्दी से। तो मैं चौथे पार्टिसिपेंट यानी कि आमिर शाह को बुलाना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम आमिर, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नर्वस लग रहे हैं, क्यों? नर्वस भी हूँ थोड़ा बहुत। नर्वस है थोड़े बहुत, अब इस पॉइंट पे आके नर्वस होना बनता है, थोड़ा बहुत बनता है या ज्यादा होना बनता है? ज़्यादा बनता है। अच्छा आप मुझे बताएं घर पे सबसे ज्यादा किसकी होप्स हैं कि भाई यू आर गोइंग टू विन एंड
एक्चुअली मेरे बच्चों ने मुझे यहाँ पे भेजा था और मेरे बच्चों के ज्यादा होप्स हैं, उनकी दुआएं भी इंशाल्लाह रंग लाएंगी आज। We really hope that two judges में किससे ज्यादा डर लग रहा है, किसकी जजमेंट से? जजमानी से ज्यादा डर लग रहा है। चलिए, we really hope कि मानी की आज जो जजमेंट है वो बड़ी आपके लिए लीनियंट सी रहे। So we can just hope for that। अभी आपने संभालना है अपना काउंटर एंड योर काउंटर इज काउंटर जी। इंशाल्लाह मैं पूरा कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूं और मैं ये प्रोफेशनल को अपना करियर बनाना चाहता हूं। चारों पार्टिसिपेंट्स अपने अपने काउंटर की जाने बढ़ चुके हैं, उन्होंने अपने काउंटर संभाल लिए हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे जजेस को भी, क्योंकि उनके बगैर शो नामुकम्मल है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी शेफ रिदा आफ्ताब को। अस्सलाम वालेकुम रिदा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रिदा, इस पॉइंट पे जहाँ पहले एक पार्टिसिपेंट को अलविदा करना पड़ता था और अब दो दो पार्टिसिपेंट्स को अलविदा करना पड़ रहा है, तो ये जजेस के लिए कितना डिफिकल्ट है? देखिए, हमारे लिए तो है ही है, लेकिन इन इन बेचारों के लिए बहुत ज्यादा, इसलिए काफी लोग टेंस लग रहे हैं। कोई पढ़ाइयां कर रहा है, कोई हाथ मल रहा है, कोई क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पर, इस पोजीशन पर आकर फिर चले जाना बड़ी तकलीफ दे है। तो अब किसी को नहीं पता कि कौन आगे तक जाएगा, कौन वापस जाएगा, लेकिन टेंशन उन लोग के लिए बहुत ज्यादा है। तो यही तो एक सरप्राइज रहेगा कि कौन सा वो पार्टिसिपेंट होगा जो यहाँ से ग्रैंड फिनाले जीत के जाएगा। अभी के लिए रिदा, आप संभालिए प्लीज अपनी सीट। शेफ रिदा ने अपनी सीट संभाल ली है और अब मैं बुलाऊंगी हमारे सेकंड जज यानी कि शेफ मानी को। अस्सलाम वालेकुम मानी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं सरेश? बिल्कुल ठीक ठाक। अब इस पॉइंट पे आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर शेयरिंग एनी काइंड ऑफ टिप ओवर हियर, बस ये बताएं कि इन पार्टिसिपेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? हौसला बढ़ाने के लिए इनको ऑल द बेस्ट कहेंगे, उससे ज्यादा मैं कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी मोटिवेशनल चीज जो आप इनको कहना चाहते हो? देखिए, मोटिवेशनल चीज तो, अब तो ये कंपटीशन जो है अपने एंड पे जा रहा है, क्लाइमेक्स पे जा रहा है, इवेंचुअली कुछ दिनों की बात रह गई है। सो बस यही है कि इनको अपना मोरल हाई रखना चाहिए और अब जो कंपटीशन जिस लेवल का है उसी लेवल की मेहनत करनी है और टाइम के साथ जो है इनको पता चल ही जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा, हमें भी पानी में। जी बिल्कुल मानी, अभी आपने संभाल ली अपनी कुर्सी एंड वी आल्सो हैव टू वेट कि क्या होने जा रहा है। शेफ रिदा ने कहा कि हमारे पार्टिसिपेंट्स काफी टेंस्ड हैं, काफी नर्वस हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए जरा इनामात की डिटेल्स बता देती हूँ कि विनर के लिए जी होगा फॉटाइल की तरफ से कैश प्राइज, साथ में फॉटाइल शेफ कुकवेयर एनएक्स जराफा राइस की जानिब से एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर्स भी जाएंगे इनके साथ। उसके अलावा जो सबसे एक्साइटिंग है वो है आवारी होटल लाहौर में 3 महीने की इंटर्नशिप और साथ में एक डिनर वाउचर भी मिलेगा। साथ साथ विनर्स अब के लिए भी, वो भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, उनके लिए मैं बताती चलूं कि उनके साथ भी जाएगा जी शेफ कुकवेयर एनएक्स सोनिक्स डाइकास्ट और आवारी का डिनर वाउचर। सो इट्स अ लॉट, वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एज वेल। सो लेट्स सी कि कौन होगा वो विनर, लेकिन अभी ऑब्वियसली मुकाबला जारी और सारी है, अभी मंजिल काफी दूर है और वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का भी, तो आप लोग कहीं मत जाएगा कि वॉचिंग बिग पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ ऑन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। इसमें ये है कि आपको जो हम रेसिपीज देंगे ये थोड़ी सी लेंथी जरूर है, जाहिर है आप यहाँ तक पहुँच गए। तो एक बनेंगे बीफ बर्गर है, चिकन फ्राइज है, इसके साथ आपको बनाना पड़ेगा पोटैटो फ्राइज है, और इसके साथ आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर 3-4 रेसिपीज और कॉल स्लो बनाना पड़ेगा। जो आपको पोटैटो फ्राइज दे रहे हैं वो आपने अपने तरफ से खुद से आपने क्रिएट करना है, आप उसमें चीज ऊपर से डाल रहे हैं या आप उसको कोटिंग करके फ्राई कर रहे हैं तो वो आप पे है। बाकी ये कि पूरा आपको ये एक पूरा एक प्लेटर बनाना पड़ेगा। ठीक मानी, आप क्या समझते हैं कि 4 रेसिपीज आज बनानी है हमारे पार्टिसिपेंट्स ने, तो क्या इस लिमिटेड टाइम में वो कवर हो सकेगा? जी सर, जैसा रिदा ने बताया कि आज इनको 4 चीजें बनानी है, टास्क इलैबोरेट जरूर है मगर डिफिकल्ट नहीं है, ये मैनेज कर सकते हैं। फास्ट फूड का टास्क है
बीफ बर्गर बनाना है जिसके लिए मेट्रो की तरफ से इनके पास बीफ मिंस भी अवेलेबल है। फ्राइड चिकन बनाना है, उसका चिकन भी मेट्रो की तरफ से इनके काउंटर्स पे अवेलेबल है। और उसके साथ इनको पोटैटो फ्राइज फ्राई करने, बट उसका ट्रीटमेंट जो है ये अपने हिसाब से उसको मसाला या फ्लेवर कोई भी दे सकते हैं। सो वो भी मेट्रो के फ्राइज हैं जो ये फ्राई करेंगे। और इसके साथ कोल स्लॉ है जिसको इन्होंने खुद कट करके और खुद अपनी ड्रेसिंग के साथ मिक्स करना है। तो चार बड़े इजी से टास्क है मेरे ख्याल से। ये वो चीज़ें हैं जो ये घर में भी एज अ होम कुक और एज अ बिगिनर इन्होंने स्टार्ट किया होगा तो ये बहुत बनाए होंगे। सो इट्स नॉट के ये पहली दफ़ा बनाएंगे। इसके लिए इनको पेंट्री का टाइम दिया जाएगा 3 मिनट्स। जो चीज़ें इनके पास काउंटर पर नहीं है वो वहाँ से पेंट्री से ये पिक कर सकते हैं। और सैरिस मेरे ख्याल से इनको पेंट्री टाइम देना चाहिए। जी बिल्कुल, पेंट्री का टाइम स्टार्ट होने लगा है, लेकिन उससे पहले मैं जाऊँगी बाहर। ओवर टू यू जज। थैंक यू जी। तो पार्टिसिपेंट्स, आपको 3 मिनट्स का पेंट्री टाइम दिया जाएगा। उससे पहले आपने हाथ धोने हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बिल्कुल सही था, परफेक्ट था। 3 मिनट्स काफ़ी थे हमें इंग्रेडिएंट्स पिक करने के लिए और उसमें मैंने कर ली थी पेंट्री, सही टाइम पे कर ली थी। जब मुझे टास्क मिला तो मुझे इजी लगा कि हम घर में अक्सर बर्गर बनाते हैं और मैं सोचा था कि मैं ये टास्क कर लूँगा। हमारे कंटेस्टेंट्स जी यूज़ कर रहे हैं बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ शान फूड्स के तमाम मसाले, और मैं ये देख के हैरान हो गई हूँ कि सबकी अवलीन तरजीह शान फूड्स के मसाले ही है, क्योंकि ये आपके खानों को ऑथेंटिक कलर, बहुत ही खूबसूरत सा एक कलर होगा, बहुत ही प्यारा एक टेस्ट होगा और साथ साथ बहुत अच्छी सी खुशबू भी होगी। ये आपके खानों को बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर दे देंगे। एंड अब मेरी भी यही चॉइस है एंड इट मस्ट बी योर्स। उसमें आप जो आपको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो आप ले लेते हो, तो आई गेस लाइक बाकी चीज़ें आपके काउंटर पे होती हैं। सो आई थिंक लाइक 3 मिनट्स आर मोर देन एनफ। टास्क मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था और जो है वो ईजी था। सिचुएशन में वी क्रेव फॉर रेस्टोरेंट वाला खाना, लेकिन इट्स वेरी वेरी रिस्की क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते, डाइन आउट नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा सोल्यूशन है, आप बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स को अपने घर लेकर आए और घर बैठे आपको मिलेगा बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट। ओके जी, आपका पेंट्री टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी पिक कर लें। ओके पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने अपनी पेंट्री कर ली है, आप लोगों के पास सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो काउंटर पे आ गए हैं। अब आपको हम कुकिंग टाइम अलाउ करेंगे विच इज 50 मिनट्स। इन 50 मिनट्स में आपने 4 कोर्सेस कुक करने हैं, जिसमें आपका बर्गर है बीफ बर्गर क्लासिक स्टाइल, इसके साथ आपने फ्राइड चिकन सर्व करना है, कोल स्लॉ सर्व करनी है और फ्रेंच फ्राइज जो है वो हमें सर्व करने हैं। आपका कुकिंग टाइम जो है वो स्टार्ट होता है आप। सारी मतलब देसी की तैयारी करके आई थी, लेकिन जब टास्क मिला तो क्लासिक बीफ बर्गर एंड कोल स्लो फ्राइड चिकन, तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई। लेकिन फिर भी मैंने माइंड में क्लिक कर किया था कि क्या क्या चीज़ है, किस चीज़ में मुझे डालनी है। मुझे तीनों में से कोई इतना ऐसा टफ नहीं लग रहा था, क्योंकि सबके लिए ये इजी टास्क था और सबके लिए ही जो है वो था कि मतलब ये रोज़मर्रा की जो है वो चीज़ थी जो घर में जो है वो बन रही होती है और वो सारी चीज़। है तो वो है कोका कोला। जी बिल्कुल, अगर आपका बोरिंग सा खाना भी है तो उसको एक्साइटिंग बना देगी कोका कोला। जब मुझे टास्क मिला तो मैं काफी एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि ये सारी वही चीजें थी जो मैं नॉर्मली घर में भी बनाती
सकती हूँ और आई वॉज ग्लैड कि देसी कोई चीज़ नहीं मिली, सो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी जब लास्ट में। हिसाब से उसको कहा था कि बर्गर पैटी को मैं अपने थोड़ा फ्लेवर दूँ उसका, धनिया का और हरा प्याज का। कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे बर्तन लेकर आना या ऐसे बर्तनों का इंतखाब करना जिनकी मेटल कोटिंग वगैरह बहुत अच्छी हो, जो नॉन स्टिक फॉर्मूला जिनका बहुत अच्छा हो, तो उनके लिए आई वुड ओनली सजेस्ट शेफ कुकवेयर, बिकॉज शेफ कुकवेयर की मेटल कोटिंग इज लाइक ऑन पॉइंट एंड स्पेशली इसकी जो नॉन स्टिक फॉर्मूला है दैट इज रियली गुड। शान का जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करें जहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट लगता है, इस कन्वीनियंट, और स्पाइसेस पड़े हैं आपके पास, पाउडर स्पाइसेस हैं, फिर हर्ब्स हैं जो आपने पेंट्री से पिक की होंगी, और यहाँ पर आपको एडेक्स का चॉपर भी मिल जाएगा, ब्लेंडर भी आपको मिल जाएगा अगर आपने अनियन वगैरह को चॉप करना है या फिर उसमें बाकी जिस तरह से कोरिएंडर वगैरह चिलीज वगैरह आपने चॉप करी वो भी आप कर सकते हैं ऐसे ही। और रिदा इनके पास जो ये फुटाइल के जो चूल्हे लगे हुए हैं, तीन तीन बर्नर हैं, इस पे तो एक पे बन टोस्ट करें, एक में फ्राइज को फ्राई करें और एक में ग्रिल पैन को रख के ग्रिल करें। हिमानी के सैनिटाइजर इस तमाम चीज को इंश्योर करते हैं कि ना सिर्फ वो आपको बैक्टीरिया से बचाएं बल्कि आपको वो एक अनचाही सी जो प्रेगनेंस है उससे भी महफूज रखें, और बहुत ही अच्छी प्रेगनेंस आए आपके हाथों से, एंड दे आर गोइंग टू गिव यू अ वेरी सॉफ्ट टच और बहुत अच्छा सा आपके हाथों का टच देंगे बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एलोवेरा। सबने अपनी अपनी स्पीड पकड़ी, आप जरूर जाके देखें रिदा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शुरुआत तो अच्छी हो गई है, देखते हैं कि ये कंप्लीट कितनी जल्दी करते हैं। आप चले मैं बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं, इसलिए कि मैं देख रही हूँ कि रिमिका ने वो जो फ्लावर के अंदर सीजनिंग डाल दी है ताकि वो मतलब उसके ऊपर कोटिंग करे तो उसका अच्छा टेस्ट है चिकन का। देखिए ठीक है, मैं देख के आती हूँ। आप किस चीज के लिए फ्लावर को सब मिक्सिंग कर रही है, हर्ब्स वगैरह डाल रही है? ये मैं फ्राइड चिकन के लिए कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी चिकन को जो है वो विनेगर और सॉल्ट में पानी में डाल के रख दिया ताकि वो अंदर तक वो थोड़ा सा ब्लड वगैरह निकलता है और फ्लेवर, और बस मैं अपना बैटर बस तैयार। अच्छा, ये आपने उसकी पेटिंग तैयार कर ली है बर्गर की? वो भी मैंने जबरदस्त। ठीक है, चले अब आपकी तरफ ही जाती हूँ, उसको भी देखती हूँ क्या कर रहे हैं। अच्छा अबाद, क्या आप क्या कर रहे हो? मैंने जो है वो चिकन का वो पेटी का, सॉरी हाँ पेटी के लिए मैंने रेडी कर लिया है, और क्या कहते हैं चिकन को मैंने नमक एंड वो पानी डाल के उसको वो थोड़ा सा करके रख दिया। ठीक है, बस अब उसको मैं मैरिनेट कर लगा। अच्छा, आमिर की तरफ जाती हूँ मैं। आमिर, ये आपने क्या किया, इसके अंदर क्या क्या डाला है? ये मैंने इसमें कीमा में लहसुन जरा पेस्ट डाला है, हरी प्याज डाली है, धनिया डाला है, अच्छा, और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हरी मिर्च डाली है, इसको सब ब्लेंड करूंगा चॉपर में, अच्छा, पैटी बर्गर बनाऊंगा। इसके आपने ये बोटा चॉप करें, चॉप करके डाल दिए, कुछ देसी कोई कॉन्टिनेंटल मिक्स फ्यूजन फ्यूजन बर्गर बन रहा है, आपका टेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने किया जी। कुरुतलर, आप क्या करेंगे? जी, मैंने चिकन को जो है मैरिनेट करके रख दिया था, बटर मिल्क डाला है थोड़ा, अच्छा, इसके में बटर मिल्क डाला है जी, और स्पाइसेस डाले हैं शान के, और उसके बाद मैं इसकी कोटिंग तैयार कर रही हूँ। अच्छा, शान की क्या मसाला जात डाले आपने, क्या क्या? मैंने ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, गार्लिक पाउडर और बस, और विनेगर, सोया सॉस। अच्छा, ये सारी चीज़ें। ठीक है ठीक है, और बाकी की आपकी क्या तैयारी है, कॉल्सले की क्या तैयारी है? कॉल्सलो आपको मैंने मैरिनेट करके रख दिया, कॉल्सले भी मैं बस स्टार्ट कर, कॉल्सलो भी आप बनाएगी जी जी। रिदा, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, सब अपने हिसाब से डिफरेंट तरह की मैरिनेशन कर रहे हैं, डिफरेंट तरह से वो लोग अपनी सारी चीज़ों को बना रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने जो पेटी बनाया उसके अंदर आपने टमाटर ऐड किए, बारीक बारीक चॉप करके डाले हैं, और बाकी जो है वो फ्लावर्स वगैरह के अंदर भी कुछ सीजनिंग वगैरह डाल रही है, और उसके अलावा चिकन को इन्होंने मैरिनेट कर लिया। आमिर ने भी कुछ चीज़ें उसमें ऐड किया, वो चॉपर में डाल के ना उसको पीस रहा है,
और जहाँ तक हवाद को भी देखा है, उसने भी काफ़ी काम कर लिया है, और इसके अलावा रिक्शा ने भी काफ़ी काम कर, मतलब सब तकरीबन बैलेंस में चल रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स का मुकाबला जोरों शोर से जारी है। रिदा भी हो के आई थी पार्टिसिपेंट्स के पास से, उनसे जरा पूछते हैं कि क्या लग रहा है रिदा, वक्त रहते इसको कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे से उस टास्क को मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं। ये बिल्कुल कर पाएंगे, इसलिए कि मैंने जो देखा है वहाँ पर जाकर इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से काम स्टार्ट किया था। चिकन को पहले विनेगर और नमक के साथ उसको रख दिया डिप करके, ताकि उसके अंदर एक्स्ट्रा जो ब्लड वगैरह निकलता है वो ना निकले। उसके अलावा इन्होंने जो चिकन उसका पैटी बनाना था बर्गर का, उसके अंदर भी सारी सीजनिंग वगैरह डाल के रख ली है। फिर ड्राई जो फ्लावर था उसके अंदर भी इन्होंने सारी से मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं सब। अभी मेरे हिसाब से तो सब सही से काम कर रहे हैं। अजय शेफ मानी, आप बताइए, आपको लग रहा था कि आज का टास्क काफी इजी भी है और कम टाइम में इसको कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जिनका खास ख्याल रखने की जरूरत है? देखिए, टास्क तो इनका बहुत आसान है, तो ये इस खाम ख्याली में ना बैठे कि ये बहुत आसानी से जो है राउंड टू कर जाएंगे। इनको जो टास्क दिया गया है उसमें बहुत टेक्निकलिटी है। बर्गर सीम्स अ वेरी इजी थिंग, बट उसके अंदर जो उसकी कुकिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिस पर उसको जज करेंगे, उसका टेक्स्चर, पैटी का साइज, उसका वेट, उसकी बन टू मीट रेशो, आपका बर्गर जो असेंबल हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, पैटी बहुत बारीक तो नहीं है, पैटी बहुत थिक तो नहीं है, बर्गर बन कैसा है, सॉस का क्या प्रोफाइल है और बर्गर की कुकिंग इटसेल्फ कैसी है। फिर अगेन फ्राइड चिकन इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग कि ऊपर से कोटिंग जल जाए, अंदर से कच्चा रह जाए, सो बहुत सारे मामलात हैं। आसान तो लग रहा है मगर मुकाबले के लिए फिर आपको बड़ा कड़ा यहाँ पर टेस्ट देना है। जी बिल्कुल, लग तो आसान रहा है लेकिन इतना आसान टास्क नहीं है और ये सब हम जानेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ ऑन सीजन 3 पावर्ड बाय शार्क फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बर। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि शेफ रिदा गई थी और पार्टिसिपेंट से उन्होंने बातचीत भी की थी और उन्होंने अपनी राय का इजहार भी किया कि पार्टिसिपेंट सारे ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और शेफ मानी ने भी कुछ अपनी राय का इजहार किया। अब मैं ये देखना चाहती हूँ शेफ मानी कि आपकी इसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है कि कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ज्यादा तेजी के साथ काम कर रहे हैं और ज्यादा परफेक्शन के साथ कर रहे हैं। सरिश, ये तो मैं जाए बगैर तो नहीं बता सकता यहाँ से, तो मेरे ख्याल से रिदा मुझे जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप ही जाके देख ले, जरा पता चल जाता है। मेरे हिसाब से स्टार्ट तो उन्होंने बहुत अच्छा लिया था, आगे ये कि जिस तरह से वो टाइम गुजरता जाता तो फिर वो हाथ थोड़ा सा इनका स्लो हो जाता डर के मारे। चले मैं जाके देखता हूँ, सरिश मैं जा सकता हूँ? जी बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे जाना होगा बाहर। ओवर टू यू जजेस। जी अरम शाह, आपका कहाँ तक पहुँचाई है, आप कोट कर रही हैं इसको? जी मैं बस फ्राइड चिकन को कोट करने लगी हूँ और उसके साथ साथ मैंने बीफ पैटी करूँगी, ग्रिल कर रही हूँ और मैंने बाकी सारी चीज़ें सॉस वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया। ये स्पाइस जो है मैं फ्राइड चिकन के ऊपर लगाऊंगी। अच्छा भाई जी, हम जी आप कहाँ तक पहुँचे? मैं बस चिकन जो है वो किस चीज़ के लिए? ये मैंने चिकन फ्राइड चिकन के लिए, बटर मिल्क फ्राइड चिकन बन रहा है। राइट जी, आमिर शाह जी आप भी कोट कर रहे हैं? कोटिंग कर ली है तो मैं फ्राई करने लगा हूँ और मैंने बर्गर पैटी का कीमा रेडी कर लिया, उसको करना बर्गर के अनुसार करना है, फ्रेंच फ्राइज बनाना। ये कीमा किया था आप? जी कीमा। अच्छा राइट जी, कुलतुलैन जी ये मैंने पैटी के लिए रख दिया ऑयल, और इतना ऑयल ग्रिल पैन में वो थोड़ा बर्गर जो है वो मेरा थोड़ा रानी सा हो गया बेस, इसलिए मैंने ऑयल ज़्यादा यूज किया। अच्छा रिदा, कर रहे हैं ये लोग सारे काम, ज़्यादा फोकस फ्राइड चिकन पे है, बर्गर पैटी का कीमा इन्होंने करके रख लिया है बट अब उसको ग्रिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ऑयल लिया हुआ है, वो कह रही कि मेरा ज़रा कीमा थोड़ा संभाला नहीं जा रहा तो मैंने ऑयल ज़्यादा लिया, तो लेट्स सी इतने ज़्यादा ऑयल में कैसे ग्रिल करेंगी, तो इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। हमाद की रेसिपी मुझे थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है बिकॉज उसने बटर मिल्क बनाया है और उसके अंदर कोट कर रहा है इसको चिकन को। इधर जो रमशा है वो सादे पानी के अंदर डिप करके कोट कर रही हैं और आमिर शाह जो है उन्होंने भी पानी के अंदर डिप किया है, तो थोड़ा सा तो जो सबने अपना अपना तरीका किया है कि एग्जैक्टली सही बने, तो थोड़ा डिफरेंट भी है। बर्गर जो है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, वो तो टमाटर वाला है, इधर हरे धनिया वाला है,
इधर जो है थोड़ा सा क्लासिक स्टाइल है, इधर थोड़ा प्याज ज़्यादा है। सो देखते हैं कि कैसे फ्लेवर्स हमें मिलते हैं। चिकन फ्राई कर रहे हैं या पैटी फ्राई कर रहे हैं? हाँ, चिकन फ्राई एक साइड पे रख दिया, दूसरी साइड पे जो है वो मैं बर्गर पैटी जो है वो बनाने लगा हूँ। ग्रिल पैन के ऊपर बना रहे हैं? ग्रिल पैन के ऊपर। मेरे ख्याल में वो फ्राई कर रहा है कि उसको चेक कर रहा है कि चिकन फ्राई हुआ नहीं हुआ अंदर तक। आपके बन गए पैटी? बन गए आपके बर्गर पैटी? क्या मैं बना रहा हूँ। बैटर बना लिया आपने? बनाने लगा हूँ। बनाने लगे? अच्छा ठीक है। हरी अप की लास्ट फ्यू मिनट्स चल रहे हैं, असेंबलिंग पे आ जाएं, आप लोगों के पास टाइम कम है। Starting the countdown. It's 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Stop cooking! Stop cooking! The time is up for our body spins, and here comes the time for a short commercial break. जी बढ़ेंगे हम एक break की जाने, पर आप लोगों ने कहीं नहीं जाना. Keep watching Bake Parlor, the Pasta Expert presents Chef Fern Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. Chef Fern Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. जी अब हम जानेंगे हमारे जजेस से कि कौन से वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको वो पहले बुलाना चाहेंगे। तो जजेस, किसको हम सबसे पहले बुला रहे हैं? सबसे पहले हम बुलाएंगे हमाद को, बट सबके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। उसके लिए हिमानी के सैनिटाइजर आपके काउंटर पे हैं, और हम भी सैनिटाइज करते हैं रिदा, ताकि हम टेस्टिंग्स कर सकें। आपका चिकन रॉ है, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। एंड बर्गर नमक से भरा हुआ है और बहुत हार्ड है, इसका पेटी बहुत हार्ड है। पेटी को तो छोड़ें, आपने सीजनिंग चेक की थी? नहीं, मैंने सीजनिंग जो है रॉ में चेक नहीं की, और फिर जब कुक किया था तो मैं डायरेक्ट। हमेशा रूल है कि जब आप कीमा बनाते हैं किसी चीज का, एक छोटा सा टेस्टर आप पहले ग्रिल करके देखते हैं कि उसमें सीजनिंग बैलेंस है कि नहीं है। एंड इट्स फुल ऑफ सॉल्ट, नो हर्ब फ्लेवर, नो नथिंग, एंड इट्स हार्ड। और ऊपर से देखें, इतना इन्होंने इतना ओवर कुक किया है, इतना ऊपर से हार्ड हो गया, और ये लग ही नहीं रहा कि आपने फ्राइड चिकन बनाया। लग रहा था कि वो आटे के अंदर, मैदा भी नहीं, मैं कहूंगी आटे के अंदर पूरे चिकन को डाल के। कोल्सलो भी क्या है, आपने सिर्फ डायरेक्ट मेयोनीज जो है वो खोली है, और उसके अंदर आपने गोभी डाल के दे दी है। और मतलब गोभी का तो कम है, कैबेज कम है, सारे वो ही मेयो है यार, सारे वो ही आज में आ रहा है। और आप सोचे कि इस लेवल पे आके कंपटीशन में, और ऐसी आसान चीज कि जो आप डेली बेसिस पे जाके रोड साइड यू नो इटरी से खाते हैं, ठीक है? सो यू कैन टेक अवे योर प्लेट्स, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। थैंक यू। जजेस को मेरी डिशेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि शेफ मानी को लग रहा था शायद मैंने सॉल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है। हालांकि मेरे हिसाब से सॉल्ट बिल्कुल एवरेज था, मे बी वो कम खाते हों जिसकी वजह से उन्हें जो है वो ज़्यादा लग रहा हो। और बाकी जो मेरा फ्राइड चिकन पे जो मुझे था, वो कह रहे थे कि वो रॉ है, हालांकि मैंने उसे फुली कुक किया था, लेकिन वो रॉ रह गया था। अभी भी 3 पार्टिसिपेंट्स बाकी हैं, लेट्स सी कि उनकी परफॉर्मेंस किस हद तक इम्प्रेस कर पाएगी, या फिर
वो भी होंगे नाकाम आज इम्प्रेस करने में. सो जजेस शेफ रिदा, अब हम किसको बुला रहे हैं? रिमशा को बुला रहे हैं. रिमशा अपनी रेसिपीज के साथ आ जाइए. अभी तक उसी तरह से क्रिस्प है, इसको जिस तरह से होना चाहिए. कॉल्सलो का भी अच्छा है, आपने ज़्यादा इसमें मायनीज का इस्तेमाल नहीं किया. और मुझे ये भी आपका अच्छा लगा बर्गर, इसलिए कि इसमें आपने जिस तरह से ऊपर चीज़ डाली, फिर इसके अंदर जो सीजनिंग है आपकी वो भी बैलेंस है और सॉफ्ट है उसका पेटी. ओवरऑल मुझे तो सब सही लगा. मानिए आप बताएं. बिल्कुल ऐसे ही है जी, आई टोटली अग्री विद रिदा. एक्सीलेंट, आपका चिकन क्रिस्पी, क्रंची, जूसी, सकलेंट, यू नो कुक्ड प्रॉपरली. बर्गर पैटी एक्सेलेंट, असेंबलिंग ऑफ द बर्गर इज यू नो वेरी प्रॉपर. लेटस भी है, टोमेटो भी है, बहुत ज़्यादा सलाद नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉस नहीं है. बर्गर पैटी भी मुनासिब हद तक कुक है, ड्राई भी नहीं है. बन बड़ा अच्छा वेल टोस्टेड है. आपने फ्राइज के साथ एक को मसाला किया, एक को आपने थोड़ी सी सॉस बना के डाला, फेयर इनफ. कुछ आपने मतलब अपनी तरफ से किया जी. और कोल्सलॉ विच आई लाइक कि आपने दो टाइप की कैबेज यूज की टू ऐड द कलर, एंड ऑल्सो इट्स नॉट यू नो ड्रिपिंग विद द ड्रेसिंग. तो आपने उसको उतना ही कोट किया है जितनी इस गोभी की रिक्वायरमेंट थी. सो ओवरऑल वेरी नाइसली प्रेजेंटेड एंड वेरी वेल बैलेंस्ड डिश. तो मुझे अच्छा लगा, प्लेट इट अप वेरी नाइस. थैंक यू. जिस मिनट बात होगी तो मैं काफ़ी काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरी कोई भी मिस्टेक नहीं थी, मेरा कोई भी फ्लॉ नहीं था. एंड आई वॉज हैप्पी कि मेरी साइज इतनी परफेक्ट बनी. दो पार्टिसिपेंट्स अभी भी बाकी हैं अपनी रेसिपीज के साथ. और जजेस अब हम किसको बुला रहे हैं? क्या ख्याल है अम्बानी, आमिर को बुला लें? बिल्कुल बुलाएं. बहुत ज़बरदस्त बर्गर आपने बनाया, टेस्ट भी बहुत अच्छा है. चिकन जो आपने फ्राई किया ना, इस तरह लग रहा है कि यहाँ पे आपने नहीं बनाया किसी रेस्टोरेंट का. मतलब इतनी अच्छी कोटिंग, उसी तरह से ऊपर से इसका जो क्रस्ट आ रहा है, थोड़ा सा सिर्फ आपका जो कॉल्सो आपने बनाया इसमें ज़्यादा आपने ऐड कर लिए जो मायनीज वगैरह, कैबेज कम नज़र आ रही है. बाकी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा आमिर, रिजा ने आपको कहा चिकन इज यू नो फ्राइड प्रॉपरली, कोटिंग भी बहुत क्रंची क्रिस्पी है, बट इस मुझे लगा ओवरली सॉल्टी है, सीजनिंग बहुत ज़्यादा है इसमें. बट हो सकता है रिदा के लिए वो ठीक हो जो नमक टेस्ट खाते हैं, उनके लिए ठीक है, बट मेरे लिए थोड़ा ये ज़्यादा है. बट ओवरऑल जो आपका इसका क्रस्ट है, जो क्रम इसका फॉर्म हुआ है और जो कुक है वो प्रॉपरली है, तो आई लाइक इट. बट बर्गर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, आई डिसएग्री विद रिदा. इट्स मोर लाइक यू नो हरे मसाले का कबाब, जिस तरह आप कच्चे कीमे के कबाब घर में बनाते हैं, आपने वही कोफ्तों वाले मसाले को एक बर्गर की फॉर्म में कर दिया, विच आई डिडंट लाइक. मैंने रिपीटेडली आपको बोला था वी नीड अ क्लासिक बीफ बर्गर, ठीक है? दिस इज नॉट द क्लासिक वे टू डू दैट. कोल्सलॉ की कटिंग इज नॉट प्रॉपर, आपने इसको डाइसेस में काटा है एंड इट्स लोडेड विद मेयो. मुझे जो उसका टेस्ट स्पॉइल कर रही है, वेजिटेबल बैठ चुकी हुई है, इसका क्रंच जो है वो खत्म हो चुका हुआ है. आपकी जो मेयो ड्रेसिंग है फ्राइज के ऊपर वो आपने डाली है, कॉकटेल सॉस जो बर्गर वाली थी वो आपने उसके ऊपर डाल दी. सो आई एक्सेप्टेड के चले आपने उसको एक डिपिंग सॉस के साथ सर्व किया. बट ओवरऑल इट्स यू नो 50-50 काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे इससे ज्यादा की तवक्को थी. अदर देन योर चिकन आई डिडंट लाइक एनीथिंग. जी जो मैंने चीज़ें बनाई, पैटी बर्गर और फ्राई चिकन बनाया, और उसमें जैसा आपने जो कमेंट्स किए थे मिले जुले थे दोनों के, और शायद रिदा को तो बहुत पसंद आए थे और शायद मानी ने बहुत डिसएग्री किया था. आमिर को थोड़े मिक्स से रिमार्क्स मिले हैं हमारे जजेस की जानिब से, एंड वी आर लेफ्ट विद वन मोर पार्टिसिपेंट ऑफ दिस राउंड. सो जजेस क्या हम उनको भी बुला लें? जी बिल्कुल, आप बुलाइए कुरुतुलैन को. कुरुतुलैन अपनी रेसिपीज के साथ आ जाइए प्लीज. नहीं लगा इसलिए कि जो फ्राइड चिकन था बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे घुला हुआ आटे की तरह बन गया, इसकी इतनी अच्छी वो कोटिंग भी नहीं आई है, ठीक है. कोल्सलो इस तरह लग रहा है कि जैसे
कोई खीर टाइप का है सारा, मतलब अंदर बिल्कुल मिक्स आ रही उसकी, आपने क्रीम और मायनीस दोनों इस्तेमाल की है, वो ज़्यादा डाल दी इसमें, वो कॉल्सरों का मतलब उसमें कैबेज नज़र आती है। यस, वैसे तो आपकी जो पेटी बना है सही बना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसके अंदर वो फ्लेवर नहीं आ रहा बिल्कुल, जिस तरह से हल्का सा जैसे कहते हैं ना लाइट सा लग रहा है कि कोई कबाब हम खा रहे हैं, बिल्कुल लाइट सा उसका फ्लेवर आ रहा है। कुरुतुलेन, आई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री विद रिदा इन दैट मैनर। आई लाइक योर बर्गर, इट्स माइल्ड, इट्स सटल, ऑल्दो इट्स नॉट अ क्लासिक रेसिपी, इट्स नॉट द क्लासिक वे, बट द ओवरऑल प्रोफाइल ऑफ द बर्गर इज यू नो फॉल बिटवीन द क्लासिक रूट ऑफ बर्गर, राइट। जो आपका फ्राइड चिकन है आई लाइक दिट, सीजनिंग लेवल उसमें परफेक्ट है, सॉल्ट उसका परफेक्ट है, चिली परफेक्ट है, उसके ऊपर कोटिंग जो है ओवरली फ्लावर की कोटिंग नहीं है, फ्राई प्रॉपर हुआ हुआ है, रॉ नहीं है, इट्स कुक्ड प्रॉपरली, सो आई लाइक द चिकन ऑल्सो। कोल्सलॉ अगेन जो रिदा ने बोला है इट्स ओवरली ड्रेस्ड, बट आपकी कटिंग प्रॉपर है, यू हैव यूज कैरेट, यू हैव यूज कैबेज, यू हैव यूज पर्पल कैबेज, सो ऑल थ्री वेजिटेबल्स आर देयर, बट ड्रेसिंग आपने थोड़ी सी उसको ज़्यादा रखा है, एंड फ्राइज यू पुट द मसाला फ्राइज, आपने मेट्रो के फ्राइज फ्राई किए और उसके ऊपर मसाला डाला, बट द फ्राइज आर स्टिल क्रंची, आई कैन यू नो फील द क्रंच इन माई माउथ, सो ओवरऑल आई एम हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, रिदा डजंट, सो शी हैज़ हर ओन ओपिनियन, आई हैव माई ओन, सो लेट्स सी। रिदा कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? जहाँ तक यहाँ बर्गर बन का है, ये भी आप देखिए मुझे इतना अच्छा, ये देख लीजिएगा आप इसका ये लुक देखें, मैंने प्रॉपर तरीके से इसको सारा हो के ये देख लीजिएगा। बहरहाल मानी की अपनी वो है कि मानी जिस तरह से वो कह रहे हैं, मेरे पास जो प्लेटर है ये भी बिल्कुल ऑयल से भरा हुआ और इसकी उस तरह से क्रिस्पी कोटिंग भी नहीं है। जजमेंट जब पास हुई थी तो शेफ मानी जो थे वो बड़ा खुश थे और शेफ रिदा थोड़ा डिसएग्री कर रही थी, मेरी डिशेस उनके पसंद नहीं आई थी, लेकिन बहुत फेयर जजमेंट हुई है और आई एम सो हैप्पी। तमाम पार्टिसिपेंट्स की रेसिपीज टेस्ट कर ली हैं हमारे रिस्पेक्टिव जजेस ने और अब क्या होंगे उनके फाइनल रिमार्क्स ये हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग बेक पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ ऑन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। The Pasta Expert presents Chef Han Season 3 powered by Shan Foods and Coca-Cola in association with Himani Herbal. So finally comes the time jab hamare judges reveal karenge ki kaun se wo do lucky participants hain jo next round ke liye qualify kar chuke hain. Ji judges. Acha Sarish, aaj to itna close call thi, itni close call thi ki hum logon ko sochne mein bahut time laga. So but somehow hame phir bahut hi bariki mein jaake point to point yani माइक्रो पॉइंट्स में भी जाके हमने लोगों को असेस किया और फिर फाइनली हमने कंसेंटेड हुए, एक डिसीजन हमने बनाया है और उसमें जो दो लोग आगे थ्रू करके जा रहे हैं उसमें जी पहली है रिमशा आती, और दूसरी है कुरुतुलेन। जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि जो हमारे नाज़रीन देखेंगे उनको भी आइडिया हो कि कंपटीशन में क्लोज कॉल कैसे थी। क्लोज कॉल थी जी बिटवीन कुरुतुलेन एंड आमिर शाह, दोनों के बर्गर्स बहुत अच्छे थे, रिदा आमिर के हक में बहुत ज़्यादा कन्विंस थी, मैं कुरुतुलेन के लिए बहुत कन्विंस था, इस वजह से कि हमने टास्क दिया था क्लासिक बर्गर का, आमिर का बर्गर अपनी जगह पे बहुत अच्छा था, उसका अपना फ्लेवर प्रोफाइल बहुत अच्छा था, मगर जो धनिया आपने ऐड किया आमिर, हरा धनिया और हरी मिर्चें, उससे आपके जो बर्गर का प्रोफाइल है वो लूज हो गया, बट कुरुतुलेन का जो बर्गर था वो इसलिए सेफ हो गया कि वो उस डोमेन में बड़ा फिट आ रहा था जो हमने टास्क दिया था इनको, सो उनका माइल्ड फ्लेवर प्रोफाइल जो उनको जितवा गया। तो मगर कुरुतुलेन आपके भी फ्लॉज थे, आपकी कोल स्लॉ बहुत ओवरली ड्रेस थी, सेम फॉर आमिर के, आपकी कोल स्लॉ बहुत ओवरली ड्रेस थी, प्राइज आप सबको मेट्रो के मिले थे तो उसके साथ बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चारों में से किसी ने नहीं दिखाई, बट जो डिसाइडिंग फैक्टर्स था वो चिकन और बर्गर था जिसपे हमने रिजल्ट बेस किए, और आप लोगों के लिए जी बेस्ट विशेज ऑल्सो कि आप यहाँ तक आए, स्ट्रगल की, कम्पीट किया, इतने लोगों को बीट किया, कुक ऑफ राउंड तक आना इटसेल्फ अचीवमेंट है, और आप लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन है फॉर मसाला टीवी जो आपको एक याद दिलाएगा कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और नेक्स्ट टाइम पूरी मेहनत के साथ और बारीकी से स्टडी करके अगर आप आएंगे चैलेंजेस में तो इंशाल्लाह यू वोंट बी डिसहार्टेड। जी रिदा, आप क्या कहेंगी?
बस यही हमारा आपस में दोनों की जरा बहस चल रही थी क्लासिक बर्गर पे। सही कहा मानी ने, जैसे क्लासिक बर्गर का कहा था तो मेरे ज्यादा जो वोट थे वो आमिर की तरफ से, लेकिन बात जब क्लासिक बर्गर की आती है धनिया वगैरह का तो ये होना नहीं चाहिए था। बहरहाल आपको कुरतलैन बहुत मुबारक हो, और उसके साथ अमाद आपको भी मुबारक ही, इसलिए कि आपको मिल रहा है मसाला टीवी की तरफ से ये सर्टिफिकेट्स मिल रहा है। जी एनएक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो फिदा हमाद के लिए भी प्लीज ले आइए, ये आपके लिए, आपको याद दिलाएगा कि आपने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और सर्टिफिकेट के साथ आपने एनएक्स का गिफ्ट भी विन किया। अब इसमें आपने स्मूदीज बनानी है। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द पार्टिसिपेंट्स जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, और हमाद और आमिर के लिए मैं यही कहूंगी कि ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड वी रियली होप कि आप आगे चल के बहुत अच्छे शेफ साबित होंगे और नेक्स्ट सीजन में भी जरूर आएंगे। अभी के लिए हमारा वक्त खत्म हुआ जाता है, नेक्स्ट राउंड में यानी कि फेस द हीट चैलेंज में हम हाजिर होंगे जिसमें हमारे साथ चार पार्टिसिपेंट्स होंगे और जज बनाएंगे एक रेसिपी जिसको रेप्लिकेट करना होगा बाय द पार्टिसिपेंट्स। लेट्स सी कि वो कैसी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन अभी टाइम खत्म हुआ जाता है, हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, देखते रहिए बिग पार्लर द पास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफॉन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। जाते जाते बाकी के भी ब्रांड्स का शुक्रिया अदा करती जाऊं, मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारा पेंट्री पार्टनर है बहुत शुक्रिया, वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रेवल्स का भी शुक्रिया जो कि हमारे ट्रेवल पार्टनर्स हैं, साथ में शुक्रिया अदा करूंगी फोर्टायर किचन फिक्स्चर्स का, एनएक्स का, शेफ कुकवेयर और केसरिया का। अपने रखिए बहुत सारा ख्याल, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अब जश्न पास हो चुकी है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये राउंड भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है और अब नेक्स्ट राउंड की तैयारी करनी है। आगे कंपटीशन के लिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट और काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि सिर्फ दो राउंड रह गए हैं एंड आई एम गोइंग टू पावर थ्रू देम इंशाल्लाह।